गाइस, वेलकम टू गुलफाम फैमिली व्लॉग। हम सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने घर में ठीक ठाक होंगे। और यहाँ खाना बन रहा है बच्चों का, और बच्चे जो हैं वो बाहर ज़रा गजर वजन आए हुए हैं, उनके साथ ज़रा मस्ती हो रही है, पार्टियाँ शाटियाँ लगे हुए हैं। इलियान साहब बदतमीजी की, अगर लड़ाइयाँ की तो फिर खैर नहीं, मैं बता दूँ वार्निंग दे रही हूँ गाइस। तो आप जरा देखे जरा बाहर का क्या सीन है और क्या मौसम है, क्या वेदर है। मेरा मसाला यहाँ भूनने के एंड पे है और बच्चों को भूख लग गई है, तो मैं अब जल्दी जल्दी जरा हाथ चलाऊं। साथ साथ हम बातें भी करते हैं, बस यही होता है, साथ साथ ब्लॉग बनाते हैं, साथ साथ खाना बनाते हैं। थोड़ा सा आटा गूंथ लूं क्योंकि बच्चों को ना लगी हुई है भूख और मुझे बार बार प्यास लग रही है, मैं तो पानी पी रही हूँ। मुझे तो ठंड और गर्मी और सर्दी और प्यास बहुत लगती है। मैं ज़रा आटा गूंथ लूं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस देखे जरा क्या इत्तेफाक हुआ है कि बंदा पकड़ लिया है हमने आज, इत्तेफाक से हमारे घर में इस टाइम पे पहुंच गए हैं, मजे हो गए हैं मेरे तो। मेरा भाई आ गया मेरे घर पे, जरा इंटरव्यू ले इनका, ये क्या करके आए हैं, आज ड्यूटी थी इनकी। मैं तो अभी आया ड्यूटी से, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, अभी देखा तो हम व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, तो आप लोग एंजॉय करें, खाना वाना देखें। आप सालन भूने में आटा गूंथ रही हूँ तो आप आपके साथ ये सारी रेसिपी शेयर करती हैं, आपको बताती हैं, आप देखते रहें। मामू जी सालन भून दे। कीमा मेरा भून गया है, अब मैंने इसमें डाल दी है सब्जी और जब तक ये बनेगा फिर मैं रोटियां बना लूंगी, इसको मैं दम पे बनाऊंगी, तो आपसे मिलेंगे हम रोटियाँ बनाने के बाद। रोटियाँ हमारी बन गई हैं और हमारे पकौड़े भी तैयार हैं, थोड़े से बस रह गए हैं। आप देखिए ज़रा क्या बात है, पालक के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े, इनकी शक्ल ही ऐसी है इसलिए कि इसमें पालक बहुत ज़्यादा है और टेस्ट बहुत मज़े का है। ला यार एक और राउंड में ये कर लूँ, थोड़ा सा रह गया फिर। और गाइस आप बताएं क्या इस मौसम में आपके घर में भी पकोड़े चलते हैं या बस हमारे घर में ही चलते हैं। थोड़े बादल छाए हुए थे तो बच्चों ने कहा कि हमें तो पकोड़े खाने का मूड है, मेरे इलियान को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अपने बेटे की फरमाइश की ना पूरी की जाए। चल की बात है तो फिर सब हो गया है हमारा एंड। और केचप नहीं है जानी, हॉट सॉस है। नहीं मुझे ये खाना था। तो ये ऐसे ही खा लो, चाट मसाले के साथ खा सकते हो प्लीज। अभी कौन जाएगा, ये लगाओ अपना बैग। अभी तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ यार, तुम लोगों की फरमाइश करते पूरी शाम हो जाती है और फिर तुम मुझे दुकानों पे भगाओगे। नहीं यहाँ केचप चाहिए, केचप चाहिए लेकिन यहाँ से नज़दीक से मिलता भी तो नहीं है यार अच्छा वाला। और ठीक है गाइस, हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, हम करते हैं यहाँ पे एंड। और अभी ये एक नया मसला मेरा शुरू हो गया है केचप का, जो मेरे घर में इस वक्त मौजूद नहीं है, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दुआ में याद रखें। मिलते हैं, बाय।